भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती जिला करीमगंज जिले में 6,000 करोड़ रुपए की जमीन केलंकारी को लेकर अभियुक्त भूतपूर्व अतिरिक्त जिला शासक नवारुण भट्टाचार्य को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड में लिया है। सूत्र के अनुसार करीमगंज जिले के सदर थाना सहित कई और 5 सर्कल में कई क्षेत्र में जमीन लेन देन को केंद्रित कर गैर जिम्मेदाराना तौर पर गबन किए गए हैं और तो सरकारी जमीन को पैसे की रिश्वतखोरी के जरिए व्यक्तिगत स्वार्थ में लोगों के नाम कर दिए गए हैं। भूमाफिया के साथ आंकड़े लगाकर करीब 6,000 करोड़ रुपए की जमीन की घोटाला किया गया है। इस सदर में कानून कार्रवाई चलने के दौरान कुछ लोग फरार हैं और कुछ लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। सूत्र के अनुसार सुतारखंडी क्षेत्र में कोयला व दूसरे असामाजिक गतिविधियों के व्यापार से जुड़े अब्दुल हाद चौधरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद करीब 12 लोगों के नाम पुलिस प्रशासन के समक्ष उजागर हुआ था, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और तो शासक विरोधी गतिविधियां इन दिनों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी तथा इस संबंध में कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए लोग मांग भी कर रहे हैं। इधर नए तौर पे पुलिस रिमांड में लिए गए अतिरिक्त जिला शासक नवारुण भट्टाचार्य को कानूनी हिरासत में बहरहाल ले लिया गया है और पूछताछ चलाई जा रही है।